वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अकबर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मुराद जो बिजली से चलने वाली मशीन होती है। अगर हम इस यहाँ पे लेते हैं कि मशीन, अब मशीन से मुराद बिजली से चलने वाली और भी बहुत सी मशीनें होती हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया जूसर मशीन, आ गया वॉशिंग मशीन, आ गया ब्लेंडर वगैरह आ गया। अगर हम देखते हैं कि एक बॉक्स को या जिसकी तस्वीर देखें जिसमें एक मॉनिटर होता है, हमारे पास सीपीयू होता है, हमारे पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इन सब चीजों को देखें तो वो एक कंप्यूटर मिलके बनता है। जैसे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर जो होता है वो एक बल्कि मशीन होती है विच प्रोसेस जो अमल करती है रॉ डाटा से मतलब वो डाटा होता है जिसके ऊपर अभी हमने अमल नहीं किया होता, यानी कि वो वैसे उसके ऊपर अभी प्रोसेस नहीं होता, नील डाटा होता है, ठीक है। इनपुट की शक्ल में होता है। इनपुट से मतलब यानी कि जो चीज हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, इनटू द मीनिंगफुल से मतलब यानी कि उसे बामानी अल्फाज में तब्दील करता है इंफॉर्मेशन की शक्ल में, यानी कि हमारे पास मालूमात की शक्ल में देता है। आउटपुट जो हम उनसे कंप्यूटर से लेते हैं उस शक्ल में, एंड आल्सो स्टोर उसे फिर स्टोर करता है आउटपुट की शक्ल में फॉर लेटर यूज, ताकि हम बाद में उसे इस्तेमाल कर सके जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी। जो हमने मालूमात कंप्यूटर में इंटर स्टोर की हुई थी वहां से हम हासिल कर सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी कि उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर हमारे पास की कई एग्जाम आ जाएंगी। जो वेल नोन है ज्यादातर हमारे पास आ जाएगी इसकी, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन हो गए हमारे, हमारे पास आ जाएगा नोट पैड आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसका लैपटॉप आ जाएगा, लैपटॉप और एबीसी और बहुत सी आ जाएंगी इसकी एग्जाम जो भी होंगे हमारे पास आ जाएंगे। ये तो आगे इसकी कैटेगरीज आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा से मतलब कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर जो हकायक हम इकट्ठे करते हैं किसी चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं डेटा कहते हैं। अब इसकी मिसाल यूं ले लें कि जैसे कि एक तालिबे इल्म है, ठीक है, वो एग्जाम देता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें उसके डिफरेंट जो है मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स को जो हम कलेक्ट करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर फिर जब हम प्रोसेस करेंगे तो वो भी इंफॉर्मेशन बनेगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि अनप्रोसेस्ड होगा, अनप्रोसेस्ड आइटम वो आइटम कहते हैं जिसके ऊपर अभी अमल हमने नहीं किया होता, तो वो कहलाएगा डाटा। जैसे ही हमने वो जो डाटा इकट्ठा किया था, उसकी जो मार्कशीट हमारे पास मौजूद थी, यानी कि उसके जो मार्क्स जितने भी उसने गेन किए हुए थे वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद थे, जैसे ही हम उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे यानी कि प्रोसेसिंग करेंगे, तो वो हमारे पास डेटा से कन्वर्ट होकर इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ से राज यानी कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इसका मीन होता है कन्वर्ट करना डेटा इंटू इंफॉर्मेशन, डेटा को तब्दील करना इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ये सारा काम होता है। डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस होता है, जब जैसे इसके हम ऊपर अमल कर लेंगे तो वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में हमारे पास मौजूद आ जाएगा। अब जैसे हमने उसके जो मार्क्स थे उसके ऊपर प्रोसेस किया, उनको कैलकुलेट किया, यानी कि जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए थे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, उसकी फिर हमने परसेंटेज निकाली, सब कुछ उसका निकालने के बाद हमने जो था उसे एक पेपर की फॉर्म में उसे उसका रिजल्ट जो था वो हैंड ओवर कर दिया, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन की शक्ल में आ गया। आई होप कि आपको ये व्हाट इज कंप्यूटर, डेटा और इंफॉर्मेशन की आपको समझ आई होगी।